हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम। आई एम अवनीश शर्मा, मेरे साथ है सौरभ सर, और आज हम दोनों डिस्कस करेंगे कि जो आरआरबी जेई की वैकेंसी निकली हैं और एसएससी जेई की वैकेंसी निकलने वाली हैं उनके सिलेबस के बारे में, और जो आरआरबी जेई का जो पैटर्न है, क्या क्राइटेरिया है, क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो आरआरबी जेई की वैकेंसी निकली है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया। पहला जो पेपर होगा वो होगा सीबीटी 1 होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा वो पेपर। वो उसमें सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं, मैथमेटिक्स आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आ रहा है, और जनरल साइंस आ रहा है, ठीक है। तो इन सब की जो वीडियोज़ होंगी ना गाइज, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर होंगी, ठीक है। हम यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो डालेंगे और हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो हमारे चैनल का नाम है एवर एग्जाम, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो टोटल ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स की है, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे सीबीटी 2 में, ठीक है। सीबीटी 2 में ये वाले टॉपिक्स आए हुए हैं, ये है जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस आए हैं, फिर बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल आया है, फिर जो टेक्निकल एबिलिटीज है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी स्ट्रीम में सीबीटी 2 में जो जो आपका मार्क्स आएंगे या फिर आपका रिजल्ट आएगा वो इस टेक्निकल एबिलिटीज़ की वजह से आएगा, क्योंकि इसमें जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और 100 ही मार्क्स के होंगे, तो टोटल होगा वो 150 मार्क्स का होगा। ओके गाइस, तो इसका हमने एक नया कोर्स निकाला है, उस आपको उस कोर्स को ले सकते हैं, और इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। यदि आप हमको फॉलो करोगे तो आपका पक्का श्योर इसमें आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टेक्निकल एबिलिटीज हम बेसिकली जो हम फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है, तो सिलेबस आपको सर बताएंगे। सर बताइए सिलेबस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो उसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, ये टॉपिक आपका, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आपका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, सोम एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ड्रॉइंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सर हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी आपके रेस्ट ऑफ द टॉपिक बचते हैं आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग, ठीक है आपका। उसके बाद आपका आता है सर्वेइंग आता है आपका, उसके बाद जो टेक्निकल इंजीनियरिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका दोनों आता है, रेलवे एज वेल एज हाईवे, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो भी आपके पाँच छः टॉपिक बचते हैं वो सर आपका सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स होगा हमारा टेक्निकल का, ये हमारा 250 घंटा लेगा, 250 आवर्स लेगा कंप्लीट कोर्स, ठीक है। 250 आवर्स में 125 घंटा जो होगा वो हम दोनों सर के बीच में डिवाइड होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अब एग्ज़ाम सबसे पहली बात मेन मोटिव हमारा होगा कि जो आपका टेक्निकल एबिलिटीज है, ठीक है, इसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि जो इस पार्ट में लीड ले लेगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा। क्योंकि जो आप जानते हैं सब कि जो आपका CBT 1 है, ठीक है, CBT 1 आपका केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है, उसका मार्क्स आपका नहीं ऐड अप होगा। तो जो आपका CBT 2 होगा, ठीक है, उस वो ही आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट होगा, उसी की वजह से आपका सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अब जो बेसिक बात हमारी आती है कि उस 250 घंटे हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम टॉपिक लेते हैं आपका बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। हमने मान लो बिल्डिंग मटेरियल की आज क्लास का हुआ 4 घंटे, मान लो क्लास हुआ, ठीक है। तो 4 घंटे क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी हमने आज पढ़ाया उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे 10 क्वेश्चन का आपको एक सेट मिलेगा, जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आपको एक टेस्ट तरीके से आपको देना पड़ेगा कि जो आपने आज पढ़ा है वो आज का टेस्ट होगा आपका। 10 क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद उसके बाद आपको एक PDF का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल का, जैसे मान लीजिए आपने कॉन्क्रीट पढ़ा या फिर सीमेंट पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, ठीक है, फिर वो आपके डिस्कस होंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपका बिल्डिंग मटेरियल का आपका कंप्लीट हो जा रहा है, बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे कि थ्रू आउट द बिल्डिंग मटेरियल जो भी आपकी क्वेरीज आएंगी, ठीक है, उन सभी क्वेरीज का जो भी, जैसे स्टूडेंट हमें कोई कमेंट करेगा, ठीक है, कि सर ये हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी किसी भी स्टूडेंट की जिस तरह की भी क्वेरीज होंगी, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो आपका PDF की हो, ठीक है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और उसका अलग से लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। लाइव क्लास में जो भी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही होगी कि सर हमें ये क्वेश्चन पूछना है, उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस टेस्ट से अलग भी कोई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है, कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, तो उन सभी के लिए एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक लाइव क्लास चला करेगी, ठीक है, उसमें आप अपनी सब क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है आपका जो भी आपका सिलेबस होगा, ठीक है, वो आपका विद इन नॉट आवर आपका कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। कोई तरह की आप सबसे बड़ी बात है हमारा कि
आपका विद इन टाइम लिमिट आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो, जैसे आपका एसएससी जेई की हम बात करें, ठीक है, क्योंकि आरआरबी जो जेई का पेपर आपका होगा वो आपका प्रीलिम्स का जो आपका पेपर सीबीटी वन जो आपका बताया जा रहा है, ठीक है, वो आपका सुनने में आ रहा है कि आपका अप्रैल मई में होगा, ठीक है, तो उसके बाद ही आपका 2-3 महीना लग सकता है आपका आरआरबी सीबीटी टू होने में, ठीक है, लेकिन जो आपका एसएससी जेई का जो पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है, वो आपका अप्रैल मई के अराउंड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी उसका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आता है आपका, ठीक है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो आपका मेरिट था एसएससी जेई का, ठीक है, वो 117 पे गया था, ठीक है, 117 पे गया था, लेकिन लास्ट ईयर जिस स्टूडेंट ने हमारी टेस्ट भी ली थी एवर एग्जाम की, जिस स्टूडेंट ने टेस्ट भी ली थी उन्होंने सबने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे उसमें फंसे थे। टेस्ट सीरीज का हमारा देखिए आप शेड्यूल हम बताते हैं आपको, टेस्ट सीरीज का हमारा क्या शेड्यूल था। टेस्ट सीरीज में हम शेड्यूल ये था कि हमने जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये आपका है, इसमें आपके चार ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4, ठीक है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो तीन ऑप्शन आपके बचते हैं, ठीक है, तो उन तीन ऑप्शन से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, या फिर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर अप हो पा रहे थे, ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन हमने इंटर रिलेट किया, समझाया हर क्वेश्चन का आपके उस टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन का आपका वीडियो सॉल्यूशन था, ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आपको उसमें डिस्कस किया गया था। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपके चार ऑप्शन है, तो हर चार क्वेश्चन को आपको चार क्वेश्चन से रिलेट किया गया था, तो एक क्वेश्चन से आपके 16 क्वेश्चन आपके सोल हो रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारी स्ट्रेटजी रही, ठीक है, तो उसमें बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसमें बच्चों को जो भी मतलब उनके पास जो भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, तो वो सभी उनके एग्जाम में क्वेश्चन मिले, क्योंकि पंगा आजकल क्या हो रहा है कि जब से आपका पहले आपका क्या हुआ करता था, सबसे पहले आपका हुआ करता था एक आपका ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, तो उसमें एक ही क्वेश्चन एक ही आपको टेस्ट पेपर बनाना पड़ता था, तो उसमें केवल 100 जो क्वेश्चन हुआ करते थे, 100 क्वेश्चन आप किसी बुक में से उठा लो, ठीक है, तो इतना दिक्कत नहीं था, लेकिन जब से आपका ऑनलाइन का ट्रेंड आया है, तो ऑनलाइन का ट्रेंड आने की वजह से नंबर ऑफ सेट बढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे आप एसएससी जेई में आप देख सकते हैं कि आपका 7 डेज आपका एग्जाम चलता था, तो 2×7=14, ठीक है, तो अराउंड 14 सेट आपके बन रहे हैं, तो एक बुक या दो बुक में से तो बनाने वाले हैं नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आपका जितनी मार्केट में बुक अवेलेबल है, 5-6 जितनी भी किताबें आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन्हें हम सबको हम स्लोली कवर अप करना पड़ता है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए हमें जो टेस्ट दी थी वो इस तरह से हमने डिज़ाइन की थी कि उनमें सभी क्वेश्चन हमारे इस तरह से कवर अप हो रहे थे, ठीक है, तो उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। और सर आगे बताएंगे आपको, सर अवनीश सर बताएंगे, तो मतलब बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जो संडे बताया कि हमारा जो हमने जो टेस्ट स्टार्ट करी थी उसका जो रेस्पॉन्स आया ना, उसके बिहाफ पे हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, जिससे कि जो टेक्निकल एबिलिटीज़ में अच्छा बच्चे कर जाएं, है ना, और बिल्कुल भी उन्हें दिक्कत ना हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हाईफाई पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और एक स्टैंडर्ड जाएंगे, जितना स्टैंडर्ड है मतलब आरबी जेई एग्ज़ाम और इसका जो ये एसएससी जेई का एग्जाम हो रहा है इसका एक स्टैंडर्ड है, वहाँ तक जो बच्चे आराम से क्वेश्चन को कर पाएँ, ये नहीं है कि मतलब कि आईआईटी से पढ़े हुए हैं बच्चे हैं कि वही कर पाएंगे, आप भी कर सकते हैं, मतलब आपने भी तो अच्छे से आप नहीं पढ़ पाए थे पहले, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ पढ़िए, है ना, अच्छा कर जाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम सबसे पहले बेसिक जो आता है वो सीमेंट आता है, सीमेंट पढ़ाएंगे, कॉन्क्रीट पढ़ाएंगे, आपको टिम्बर पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको ब्रिक पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन में भी ये टॉपिक आते हैं, इसका थोड़ा एडवांस लेवल होता है, वो सब आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, फिर सर्वेइंग होता है, सर्वेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे 5-6 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ईजी टॉपिक होता है, बस ये होता है कि आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, और नंबर 2 बात आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हुए हों, ठीक है, तो सर यही बात है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चा आराम से कर देगा पेपर को, तो क्या है कि सर्वेइंग अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर जो जियोटेक है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, किसी बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग में कुछ मतलब कि स्टार्टिंग करेगा तो उसको सोल मार्क्स तो आना जरूरी है, बिना इसके आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर का ही आता है, ठीक है, तो जियोटेक में दोनों चीज़ें हैं कि पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि वाटर सोल वाटर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, क्या फिर कॉम्पैक्शन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है ना, अर्थ प्रेशर थ्योरी क्या है, रिटेनिंग वॉल क्या होती है, इन सब, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो जियोटेक इंजीनियरिंग है उसमें हमने रिटर्निंग वॉल पढ़ेंगे, फिर हम उसमें पढ़ेंगे फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन इसमें 2 टाइप की फाउंडेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक तो शैलो फाउंडेशन होती है और एक आपकी होती है पाइल फाउंडेशन, ठीक है, तो फिर हम उसके बारे में अलग पढ़ेंगे, एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सब जियोटेक के अंदर आएगा, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर ये सब सर पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इसमें हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे, हाईवेज ही पढ़ेंगे और रेलवेज ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से, वो या तो हाईवे का हो या फिर रेलवेज का, उनके बारे में है ना, फिर हमको पढ़ेंगे पेमेंट्स के बारे में, बिटुमेन भी आता है, बिटुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उसे, तो हम वो ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो पेमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि रिजिड पेमेंट हुआ है ना, फिर आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है
जो आपका होता है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, दूसरा होता है आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वाटर सप्लाई से भी आते हैं क्वेश्चन, तो दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही अच्छे से पूरा टाइम देंगे उन्हें और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। फिर जो एडवांस कंस्ट्रक्शन है और ये सब सर पढ़ाएंगे और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी सर पढ़ाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे छोटा होता है और इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया है जो सिविल इंजीनियरिंग से है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और हम आपको पूरा ड्यूरेशन सर ने बताया कि 250 आवर्स का ड्यूरेशन है टोटल, तो हमने आपस में बांट लिया आधा आधा, ठीक है, तो इसमें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही सब है, और मतलब कि जो हम आप जैसे आपको हमने सर ने बताया पहले भी कि जैसे हम मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया, एक बार पूरा ड्यूरेशन खत्म हो गया है ना आपका, जो कोर्स है वाला खत्म हो गया मतलब बिल्डिंग मटेरियल का, तो उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन आपको देंगे है ना, उसमें जो आपके डाउट्स आए हुए हैं है ना, जो टॉपिक के डाउट्स आए हुए हैं, मतलब पर डे का जो डाउट्स आए हुए हैं, उनका हम एक वीक में एक वीडियो बनाएंगे या लाइव सेशन चला सकते हैं, ठीक है, उसमें जो आपके कोई के डाउट्स होंगे वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यही है सर, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल में तो आपका आरआरबी जेई और एसएससी जेई की बात है, ठीक है, लेकिन आपका जो बेसिक रहेगा आरआरबी जेई एसएससी जेई से उठ करके, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका एई का एग्जाम होता है, ठीक है, तो मतलब आपका बेसिक से उठ करके आपका एडवांस लेवल तक का हमें आपको ले जाने का प्लान है, ठीक है, तो वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे आपके 250 आवर्स में, ठीक है, तो आपको आप इन्जॉय कीजिएगा आपको, ठीक है, आपको आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आप जब टॉपिक आपका डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आपका स्टील डिज़ाइन का, ठीक है, तो स्टील डिज़ाइन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या नाम है आपका, कि सर गर्डर के क्वेश्चन नहीं हो रहे हमारे पे, ठीक है, कि सर गर्डर मतलब कि आपका वर्टिकल स्टिफनर का प्रोवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का प्रोवाइड करना है, ठीक है, पार्टिंग के क्वेश्चन है, मतलब जो इस तरह के थोड़े क्वेश्चन जो जनरली परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो वो सभी हम क्वेश्चन ईजिली ठीक तरीके से देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मान लीजिए हम बात करते हैं आपका काउंटर फोर्ट होल, ठीक है, तो काउंटर फोर्ट होल में कहाँ पर आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि आपका बटरेस वॉल क्या होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पर मतलब रेनफोर्समेंट किस तरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका ओपन चैनल फ्लो है, ठीक है, किस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो और टेस्ट का तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, और जो भी इन 250 आवर्स वाले सिलेबस जो 250 आवर्स वाला जो हमारा रहेगा पूरा प्रोग्राम जो इसमें एनरोल रहेगा टेस्ट भी वगैरह काफी उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स अलग से भी मिलेंगे, ठीक है, वो सब उनके लिए फ्री रहेगी, ठीक है, और सब उसके हिसाब से हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सब इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो सभी हम डिस्कस साथ साथ करते चलेंगे। होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी सब बातें हैं वो सब डिस्कस कर पाएँ और आपको एग्जाम सब जो भी क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, ठीक है, जो वो ट्रेंड पूरा तरीके से आपका बदल चुका है, ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेशन पढ़ते हैं तो तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो आपका पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपका क्योंकि आजकल क्या है एग्जाम का कॉम्पिटिशन ही बढ़ रहा है, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादातर डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है, लेकिन जैसे आरआरबी में आ गई है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आजकल स्टूडेंट भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको जो एग्जाम ओरिएंटेशन है जिस हिसाब से एग्जाम ओरिएंट हो रहा है तो उस तरीके से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा ये पूरा पूरा हमने और जो आपका कोर्स है इसे स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। वैसे ही हमारा हमारा यूट्यूब का चैनल जैसे सर बता चुके हैं आपका एड एग्जाम के नाम से, ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे किसी वीडियो पर, ठीक है, और कोई भी आपको दिक्कत हमारा लाइव सेशन ज़्यादातर रहा करेगा जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहा करेंगी, ठीक है, कोई आपको दिक्कत आती है तो आप सर से बात कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है सब कुछ हम आपको बता चुके हैं, और जो हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये हम अपनी वेबसाइट पर करेंगे, कोर्स स्टार्ट करेंगे मतलब कल से ही स्टार्ट हो रहा है कोर्स है ना, और फिर इसमें जो भी दिक्कतें होंगी आपको जो आपकी क्वेरीज होंगी वो सब बताएंगे है ना, और अच्छे से मतलब कोऑपरेट करके करिए, अच्छे से हमारे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना उसको मतलब प्रॉपर वे से करिए, अगर बस टाइम कम है ना, और हमारे पास भी टाइम कम है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो सब चीज़ आपको अच्छे से करना है, और आप हमारे साथ चलोगे तो पक्का आपका नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है, हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ाई करके आए हैं, आपको अच्छे से नहीं पढ़ पाए, यदि आप हमारे हिसाब से पढ़ेंगे जो हमको आता है हम आपको देंगे, ठीक है, तो बेसिकली यही है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइड्स।